सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 24 मई 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 24 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। नई रीट को लेकर बड़ी न्यूज, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष का बड़ा बयान। रीट में दो ही पेपर हो, इसको लेकर जल्द ही शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। ज्ञात होना चाहिए, पिछली बार उपेन्द्र यादव ने, पूर्व राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष ने, शिक्षा मंत्री से इसको लेकर मुलाकात की थी। अब वर्तमान अध्यक्ष अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावा से नई रीट 2024 विज्ञप्ति परीक्षा पैटर्न को लेकर मुलाकात करेंगे। महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी ने किया ऐलान, परीक्षा पैटर्न से छेड़छाड़ नहीं होगी बर्दाश्त, पिछला पैटर्न ही चले। यानी पिछला 48,000 पदों पर दो पेपर हुए थे, पात्रता प्लस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, वही पैटर्न इसमें भी लागू हो। सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 में अभ्यर्थियों की आरपीएससी से गुहार, लंबे समय से लिस्ट जारी नहीं होने पर अभ्यर्थी हो रहे हैं मानसिक रूप से परेशान, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती मामला, मिलेगी राहत। कर्मचारी चयन बोर्ड को चुनाव आयोग की हरी झंडी, भर्ती परीक्षाओं के शीघ्र जारी होंगे परिणाम। संगणक जूनियर अकाउंटेंट अन्य भर्तियों के परिणाम जारी होंगे। सपने में भी नहीं सोचा कि बोर्ड परीक्षा में 100% अंक भी आ सकते हैं, मंत्री दिलावर का बयान। शिक्षा मंत्री बोले, प्राची के परिणाम से उत्साहित हूँ। सवाल, प्राची को सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है? प्राची के परिणाम से मुख्यमंत्री उत्साहित है, उसकी शिक्षा का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद किया जाएगा, क्या यह सही है? ऐसा अभी कुछ नहीं है, इनकी समीक्षा की जा रही है, हर काम की समीक्षा होना जरूरी है, इसी के बाद आगे का निर्णय होना है। सवाल, नई शिक्षा नीति राजस्थान में कब लागू होगी? जवाब, राज्य में इसे इसी शैक्षणिक सत्र में लागू किया जाएगा, इस पर काम चल रहा है। सवाल, नए जिलों में बनाए शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभी कार्य पुराने जिलों से हो रहे हैं, ऐसा क्यों? मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय हुआ था कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चुनाव से 6 महीने पहले जो घोषणाएं हुई उनकी समीक्षा कर निर्णय ले जाएंगे। सवाल, सरकारी स्कूलों के हालात में सुधार कैसे लाएंगे? अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 अभ्यर्थी कर रहे हैं अंतिम परिणाम का इंतजार, आरपीएससी प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 12वीं साइंस कृषि के छात्र कर सकेंगे पशुपालन डिप्लोमा कोर्स। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 10वीं का परिणाम अगले सप्ताह घोषित किया जाएगा। हाई कोर्ट की ग्रुप डी भर्ती की शीघ्र तिथि घोषित हो। एपी लाइब्रेरियन एंड पीटीए भर्ती 2023, 77% ने नहीं दी गणित परीक्षा, अगला पेपर जयपुर में। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, गार्गी अवार्ड रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 मई। 60% से अधिक अंक लाने के बाद भी 12,000 अभ्यर्थियों को नहीं मिल सकेगा सरकारी कॉलेज। प्री डीएलएड अब तक 2.10 लाख आवेदन, अंतिम तिथि 31 मई। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज, सीबीएसई विद्यार्थियों का सरकारी कॉलेजों में प्रवेश 5% घटेगा, राजस्थान बोर्ड के रहेंगे मेरिट में। कोटा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह, टॉप 10 प्रोविजनल मेरिट तैयार। प्रवेश उत्सव में नामांकन में 10% करनी होगी बढ़ोतरी, मेरा विद्यालय सबसे सुंदर में टॉप 3 संस्था प्रदान होंगे सम्मानित। शिक्षा विभाग से बड़ी न्यूज, शिक्षा निदेशक ने सभी डीओ को जारी किया प्रपत्र,
प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं की तो होगी कार्रवाई। थर्ड ग्रेड शिक्षकों की कांग्रेस सरकार से लेकर अब तक की ये सभी प्रतिनियुक्तियां समाप्त। शिक्षा मंत्री ने मांगी रिपोर्ट, 3 महीने बाद भी नहीं भेजी सूचना। थर्ड ग्रेड शिक्षकों का मामला भास्कर। प्रदेश में संस्कृत के 14,244 पद में से 6,159 खाली, पाली में केवल 75 शिक्षक। संस्कृत के 32 स्कूलों के 226 पद में से 151 खाली, जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल ही नहीं। पाली भास्कर न्यूज। तो यहां पर देखिए दोस्तों, संस्कृत शिक्षा में फिलहाल 6,159 पद खाली। इन पदों को सरकार भर सकती है थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड अन्य से। भास्कर स्पेशल न्यूज। पीटीए भर्ती में नया खुलासा, अब तक जांच में 878 डिग्रियां फर्जी साबित। 2200 अभ्यर्थियों ने फर्जी डॉक्यूमेंट से पाई सरकारी नौकरी। पीटीआई भर्ती में घोटाला, 2 विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री वाले 384 पीटीआई पर एसओजी ने कसा सिकंजा। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। 26 मई सुबह 9 से 5:30 बजे तक जेडब्ल्यू एडवांस, दोपहर 12 से 2 बजे तक ब्रेक। बहुत गर्म परीक्षा क्योंकि 47 डिग्री पारे का रेड अलर्ट। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। इग्नू की 17 परीक्षाएं 7 जून से एडमिट कार्ड जारी। सरकार का लच्चर सिस्टम, सरकारी नौकरी लगी तो रिश्ते जुड़े, नियुक्ति नहीं मिली तो टूट गए। आरपीएससी पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्री की 8, ओपीजीएस विश्वविद्यालयों की डिग्रियों में संदेह। चयन बोर्ड में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद हुई सख्ती। अजमेर आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां। अप्लाइड आर्ट, ईएफएम तथा गणित विषय की परीक्षा संपन्न। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। प्रीडियर परीक्षा 2024। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन 31 मई तक, अंतिम तिथि बढ़ने की संभावना नहीं। स्कूलों में सप्लाई होते ही बेचने के लिए कर रहे हैं फोन, दूध पाउडर पर बदमाशों की नजर। प्रिंसिपलों को दे रहे हैं ऑफर। जेडब्ल्यू एडवांस, कोरोना के बाद पहली बार मई में एग्जाम, कठिन प्रश्नों के साथ तापमान भी छात्रों की परीक्षा लेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय सीनेट की विशेष बैठक, विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण 1,66,139 परीक्षार्थियों की उपाधियों का अनुग्रह पारित। जयपुर 10वीं के मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन आज रात तक। सीबीएसई आरटी, पिछले 4 साल से बंद स्कूल में छात्र को सीट आवंटित, पोर्टल से नहीं हटाए स्कूल का नाम। 5वीं तक के बच्चों को कॉमिक्स व एनिमेटेड वीडियो से भी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी ने तैयार की 11 भाषाओं में बुक सीकार। 12वीं कॉमर्स में 2016 से हर साल औसत 2,489 कम होकर 50 जिलों में 25,106 विद्यार्थी घट गए। कॉमर्स में घाटा, सरकारी नौकरियों में अवसर नहीं मिल रहा है। 9 साल में 51,524 से घटकर 26,418 रह गए वाणिज्य के विद्यार्थी। नागौर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद से कनिष्ठ लिपिक पर पदोन्नति का मामला, माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिव्यू खारिज। जोधपुर